कहलाते हैं 1857 की क्रांति के गुमनाम नायक। एक जुलाई 1857 को सुबह 8:20 पर इंदौर के रेसिडेंसी पर सादत खान ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ पहला हमला किया था। अंग्रेजों के साथ कई घंटों तक मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद अंग्रेज रेसिडेंसी कोठी को छोड़ भाग निकले थे। देश में सबसे पहले इंदौर के इसी रेसिडेंसी कोठी को शहीद सादत खान ने आजाद कराया था और इसके बाद अपने साथियों और 3000 क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली कूच कर दिया था। ये तो हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां और किसने की थी, लेकिन इस क्रांति की लहर पूरे देश में जब फैली तो ऐसे कई नायक रहे जिन्होंने क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाने का काम किया। इनमें से एक नाम था शहीद सादत खान का। मालवा के पठान एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की जिसके खिलाफ सोच रखने वालों के खानदानों तक का नामो निशान मिटा दिया जाता था। 1857 तक वो दौर आ चुका था जब राजा महाराजा बादशाह सुल्तान सब अंग्रेजी हुकूमत के आगे पस्त होकर उसकी कठपुतली बन चुके थे। लेकिन सन 1857 की क्रांति की लहर जब उठी तब 1 जुलाई 1857 की सुबह इंदौर के रेसिडेंसी पर क्रांति वीरों ने पहला हमला किया, जिसमें कई घंटों की मुठभेड़ में इंदौर के रेसिडेंसी कोठी को अंग्रेजों से आजाद करा लिया गया। इस हमले में खुद सादत खान को गंभीर चोट आई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और क्रांति जारी रखी। कुछ देर में पूरे इंदौर में खबर फैली और रेसिडेंसी में देखते ही देखते हजारों देशभक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सादत खान यहां की फतेह के बाद साथियों वंश गोपाल, भागीरथ सिलावट और उनके भाई सरदार खां के साथ 3000 क्रांतिकारियों को साथ लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। पहली गोली मतलब जो पहला तोप का गोला चला था या जो पहली चिंगारी थी वो उसको जलाने का काम उन्हीं ने किया था। और उसके बाद 4 दिन तक ये जो वो थी अपनी रेसिडेंसी वो अंग्रेजों से मुक्त होके पूरी तरह से हमारे क्रांतिकारियों के हाथ में थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचलने के लिए जो कुचक्र रचा उसमें हमारे कई क्रांतिवीर शहीद हुए और क्रांति की ज्वाला मध्यम पड़ गई। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सादत खान का साथ देने वाले बहादुर शाह के बेटे शहजादा फिरोज शाह का सर कलम कर दिया गया। हालांकि कर्नल ग्रिफिथ से सादत खान और उनके साथ मोर्चा संभाले क्रांतिकारियों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें परास्त होना पड़ा और क्रांतिकारी फौजें बिखर गई। इसके बाद 16.5 साल यानी कि जनवरी 1874 तक सादत खान का कोई पता नहीं था। वे फरार रहकर लोगों के बीच क्रांति का अलख जगाते रहे। इस दौरान अंग्रेजों ने उन पर 5,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया। इसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में एक नाई की मुखबिरी से उनकी गिरफ्तारी हुई। बांसवाड़ा से उन्हें उनके चेहरे के जख्म के निशान की वजह से पहचाना गया और गिरफ्तार कर 7 जनवरी 1874 को इंदौर लाया गया और फिर 7 सितंबर 1874 सादत खान को मौत की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई जाने के बाद 1 अक्टूबर 1874 की सुबह देश की आजादी के इस महान क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जहां उनकी याद में आज भी स्मारक बना हुआ है। यह स्मारक नेहरू स्टेडियम के सामने है। एक ऐसे एम्पायर के खिलाफ जहां कहा जाता है सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर और जितनी भी चीजें ईस्ट से वेस्ट पूरा उनका कब्जा है, ऐसे एम्पायर के खिलाफ एक छोटी सी टुकड़ी को लेके जिसमें राजा का भी सपोर्ट नहीं है, किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं है, एक बस खुद की विल पावर और देशभक्ति है, तो मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्तियों का बहुत सम्मान होना चाहिए। यहाँ सरकार को उतना पैसा नहीं लगेगा डेवलप करने में, एक विल पावर चाहिए। खास बात यह कि जिस तोप से 1 जुलाई 1857 में सादत खान के नेतृत्व में इंदौर रेसिडेंसी पर हमला किया गया था उसका नाम फतेह मंसूर है, यानी कि दुश्मनों का सामना करने वाला, और ये तोप आज भी वहां पर मौजूद है। वर्तमान में इंदौर के लोक सेवा आयोग के सामने के मकान के बाहरी हिस्से से जुड़ी मजार
इंदौर के ही नहीं बल्कि समूचे भारत के आजादी के परवाने सआदत खां की ही मजार है, जहां दरख्तों की झुकी हुई शाखें उस अमर शहीद सआदत खां की यादों और बलिदान को आज भी हरा रखती हैं। लाखों क्रांतिकारियों के दिल में आजादी की ज्वाला जगाकर और वो एक दिन मुखबिर की, गद्दार मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार